अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मल खैरुल उम्मत कमेटी की तरफ से जो है हम लोग आए हुए हैं, मैं बाहिसियत अंजुमन कब्रस्तान कमेटी का प्रेजिडेंट होने के नाते, मैं और नायब सदर और हमारे तमाम अब्दुल्ला बिन अवद जो है सो अब्दुल्ला बिन अवद नायब सदर है कमेटी के, हम रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हमारे कमेटी की जानिब से परेड ऑफिसर साहब से कि वो हमारे जो है सो कब्रस्तान को छोड़ के हमारे को गेट रास्ता, हमारी जो भी मैयत आती है मैयत के वास्ते कम से कम एक 10 फीट रास्ता अगर हमारे को हो गया तो मैयत लाने सहूलत होती, बल्कि हमारे से हमारी वही रिक्वेस्ट है ऑफिसरों से, अगर वो काम हो गया तो जो है सो उनकी बाउंड्री उन्होंने कर ले सकते, हमारा कोई एतराज़ नहीं रहेगा। हम जो है सो मैडम आज हमारे MLA है सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करें हैं, उन्होंने भी बोले कि ठीक है, हम क्या है क्या नहीं सो आके देख लेंगे। बोले हमारे तमाम ऑफिसर से और सियासी लीडरों से भी अदबन गुजारिश है कि वो कब्रिस्तान का मामला है, अगर हम 100 साल भी जिएंगे तो एक दिन मौत है हमारे को, मौत के बाद यही कब्रिस्तान में आके हमारे को दफन होना है, लिहाजा पहाड़ी शरीफ के तमाम आवाम की तमाम लीडरों से और जो है सो ऑफिसर्स डिपार्टमेंट जो है फायर डिपार्टमेंट उन तमाम ऑफिसरों से हमारी अदबन रिक्वेस्ट है कि तमाम जो वो लोग मिलकर जो है सो हमारे को एक 10 फीट रास्ता दे दें मैयत के लिए लग जाने के लिए, और उनका अगर काम अगर उसके बाद हम जो है सो रुकाएंगे भी नहीं, हमारी जितने खबरें हैं उतने छोड़ दें तो हमारे को उनसे हमारी जो है कब्रिस्तान में जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्रिस्तान सबसे ज़्यादा है और ये कब्रिस्तान में बाप अजदा बरसों हमारे पुराने लोग दफन है, इसके बाद में कोई जगह नहीं है। हम ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी लिस्ट पे है, फॉरेस्ट किराएदार है, फॉरेस्ट कोई मालिक नहीं है, चाहे फॉरेस्ट छोड़ सकती है इसको, सिर्फ नहीं छोड़ना चाह रही। आज कई फॉरेस्ट ऐसे है लोग कब्जा करके गुर्रमगुड़े में जाके देखो, वो फॉरेस्ट को लोग पूरे खेता कर रहे हैं, बोला जीत लिए के पैसे खाली के छोड़ दिए। आज ये कब्रिस्तान के लिए लड़ रही, हम क्या बोल रहे हैं साहब, खाली ये खबर है छोड़ के एक 10 फीट हटके खुदा बोल के बोल रहे हैं, दूसरी से हमारा मुतालिबा नहीं है। वो अकबर सलीम साहब आए थे शाहीनगर पे KTR के साथ, 10 एकड़ जमीन कब्रिस्तान कितने एकड़ पे है अभी, यह जमीन कब्रिस्तान फिलोक्ती एकड़ पे है जी। आप क्या चाह रहे हैं अभी? अभी 10 फीट हटो बोल के बोल रहे हैं साहब, 10 फीट हट के वो रास्ता दे दो, गेट वहाँ से लगा दो, गेट की बजाय यहाँ गेट लगा रहे, गेट आगे लगा दो, अंदर हरिजन कब्रिस्तान भी है उसकी भी दीवार उठा दी है पूरी। अब क्या गेट खोल के कोई मर गया तो आदमी गेट खोल के अंदर आना, क्या KCR गवर्नमेंट ये चाह रही, क्या KCR गवर्नमेंट मुसलमानों की हमदर्दी चाह रही? हम इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद KCR को भी लेंगे, KCR से भी नुमाइंदगी करेंगे, और ऑलरेडी जो है हम पेपर टेप कर लिए, RTA में भी डाले, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी डाले, और जो है जाके मंडल ऑफिसरों से भी मिले और लोगों भी 8 दिन का टाइम पूछे। अब आगे जो फैसला होगा, मैडम भी आएंगे, मैडम भी पहले मैडम ऑफिसर रहने के बावजूद आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर नागेंद्र नाम था उनका, उन्होंने वहां तक फतेह रखे गए पूरे सामने तक, ये ऑप्शन दिए अगर ये फॉरेस्ट की जमीन अगर 2 एकड़ ले रहे हैं दूसरी तरफ हमारे 5 एकड़ बताना, तो मैडम बोले ठीक है मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से बात करता हूँ, बात करके मैं करा दूँ इसको नहीं करना, जब से हाथ नहीं लगाए। अब आगे जबरदस्ती जो है पूरा काम कर रहे हैं बोले तो ये होने वाली बात नहीं है। कब्रिस्तान के उसे लड़े, हमारे घर की लड़ाई लड़ रही, हमारे घर के सामने दीवार उड़े, कभी ऑब्जेक्शन करे नहीं करे, हमारे को जरूरत नहीं है, हमारे अल्लाह ने इतने घर दिया 100 करोड़ के मालिक है, हमारे को जरूरत नहीं है, मगर ये कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान की उसे जगह चाहिए साहब, इसकी बाउंड्री चाहिए, इसकी हदबंदी चाहिए। सलीम साहब खुदा के वास्ते आज 4 मीनार एजुकेशन सोसाइटी आप बना के शो है वादीपुर दिए, आज अय्याशी का अड्डा बने हुआ है, दरगाह की जमीन अल्लाह की जमीन के ऊपर इसी तरह से, तो वो काम को छोड़ दिए, ये काम को तो पकड़ो कम से कम, ये काम को आओ KCR का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं? आगे जो है आज पहाड़ी शरीफ दरगाह है पूरी छीन दिए, दरगाह से बाकी है 10,000, 20,000 गवर्नमेंट लैंड 10,000, 15,000 लोगों का लैंड गिरफ्तार खा ले रहे हैं, वही जमीन गरीबों को दो, वही गरीबों को दो, मैं दिया 300 एकड़ दिया, इंदिरा महेश नहीं है ये शिकारगाह है, मीर उस्मानी खान की प्रॉपर्टी। फिर एक बार बोल रहा हूँ, बड़े मिनिस्टर आना, फॉरेस्ट मिनिस्टर आना, उसके बाद ये तस्वीर होना। जब तक अभी आप फॉरेस्ट ऑफिसरों से बात करें तो लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का छोड़ने का इरादा नहीं है, जहाँ से हम खोदे वहाँ से खोदेंगे, वहाँ से सिर्फ अड़वी लोपल इपू आज पर बाउंड्री प्रकार कट्क बंदा मैं डिस्टर्ब చేయడానికి మేమున్నాం, వీళ్ళు మాత్రం అది కూడా కాదు 10 ఫీట్ల జాగా ఇడిచి కట్టాలంటే మాత్రం మాతో కాని పని, అదంటే పై అధికారులకు విలువించుకోవాలని కోరుతున్నాం, అంతే, మంచి ఏం లేదు, మంచి ఫారెస్ట్ మంచి మంచి మొక్కలు పెట్టించి మంచి ఇప్పుడు ఉన్న మొక్కలు అంటే ఓన్లీ యూకలిప్టస్ ఉంది కనుక యూకలిప్టస్ కాకుండా మర్రి రావి వేప
సీసాము, ప్రతి ఒక్క ఎర్రచందనము, చందనము, ఇవన్నీ మొక్కలు పెట్టడానికి, ప్రతి ఒక్క రకమైన మొక్కలు పెట్టడానికి, అనేక రకాల మొక్కలు పెట్టడానికి, ఈ ఫారెస్ట్ డెవలప్ చేయడానికి, ఇంకా కొన్ని పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఎదురుగా చిన్న చిన్న ఏరియా ఉంది కానీ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా చిల్డ్రన్స్ పార్క్ కూడా చేస్తాము. ప్రతి ఒక్కరికి వాకింగ్ ట్రాక్, సైకిల్ ట్రాక్, అంటే వాళ్ళంటే ఫారెస్ట్ ఎంత కొట్టేసిన ఫారెస్ట్ కొట్టేసిందని కాదు, ఇది ఓన్లీ యూకలిప్టస్ హార్వెస్టింగ్ కొరకు పెట్టిన యూకలిప్టస్, యూకలిప్టస్ దాని యూకలిప్టస్ జాగా లోపల మంచి మొక్కలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అయినా ఇప్పుడు వచ్చి వీళ్ళు పేపర్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళకి ఇంతకుముందు స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చినాను. ఇప్పుడు మొక్కలు కూడా వాళ్ళు చూసిండ్రు, చూసి కూడా ఇంత మంచి మొక్కలు పెడుతున్నామని కూడా వాళ్ళు సంతోషపడి వెనకాల వాళ్ళు వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ. ఎందుకంటే గంజాయి తాగేటోళ్ళు, సారా తాగేటోళ్ళు, పిల్లలను వేడిపించేటోళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా బంద్ అయిన మేము కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టినందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఇష్యూలకు వచ్చి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే మాత్రం మంచిగా ఉండదని నేను కోరుతున్నాను. మీ పేరేంటి సార్? హరిమోహన్ రెడ్డి, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్.